कहता चलो कोई बात नहीं कट गया, लेकिन मैं अभी बच गया, इसको इधर से उड़ा दीजिए। तो कहता अरे अभी अभी तो बच गया। तो कोई चीज ऐसी है जो ये बता रहे कि मैं तो बच गया, ये तो कोई बात नहीं, उसका उसे बोध रही, क्योंकि उसने नाम को भी फाड़ दिया छोड़ बैठ, और नाम घट घट में हर एक मनुष्य के घाट पर नाम आ रहा, आवाज आ रही है, बाजा बज रहा, वाणी हो रही है, दर्द हो रहा, पाउंड आ रही है, कलमा उतर रहा, देववाणी हो रही हर एक घट में। लेकिन अब तुम्हारे कान और आंख बंद हो गए हो तो अब क्या किया जाए, वो जब तक नहीं खुलेंगे तो घाट थाप नहीं होगा, घाट थाप हो जाए तो खुल जाए, तो जो वाणी हो रही तो तुमने को मिल जाने, फिर आप पकड़ लो तो चढ़ जाओगे आप, क्योंकि उसके आवाज आते ही रोशनी हो जाएगी, प्रकाश होगा, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा रहने वाला नहीं, आवाज आते ही उड़ा देगी सब, तो जो कुछ भी गंदगी है पाप भूल के सबको छाट को साफ कर, उसका काम ही है। जब वो गंदगी साफ करेगी, गंदगी साफ हो गई तो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश होगा तो दिखाई देगा, तो अंदर भी उसी को तीसरी आंख कहते हैं क्या ना, शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि सबके पास है, तुम्हारे सबके पास है तीसरी आंख, दो आंखें सबके पास है तो काम, दो नाक है तो एक कान और एक आंख एक नाक, तुम्हारे सबके पास है, अब उसी को खोलने की जरूरत है, उसका रास्ता महापुरुषों से मिलेगा। तो जिस दिन से तुमने शब्द को छोड़ दिया है, बिसार दिया, भूल गई, और तुम्हारी दोस्ती के साथ और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की दोस्ती भोग के साथ स्थिति पीड़ित हो, क्योंकि तुमको अपना रस तो मिल ही रहा, अपना आनंद नहीं मिल रहा, जब अपनी चीज नहीं मिलेगी तो दुखी रहोगी आप, क्या करें, तुरंत बिचारी क्या करे, तुम पति बोलो मन मूरख तन साथ बधानी इंद्री स्वाद, वो कहते हैं मन मूरख, मूरख उनको कहते हैं कि किसी की सच्ची बात को न माने उसी का नाम मूरख, और मूरख नहीं उसी को मूरख कहते हैं, कि कोई सच बात कहता हो उसको नहीं मानना इसी का नाम, तो मूरख है, तन के साथ में तो बन गया इंद्रियों के घाट पर और इंद्रियां भोगों के साथ बन गई, अब छुड़ा